मैजिकल ट्रैक्टर रोबोट वर्सेस आरसी गॉडजिला। ललित एक बहुत ही बड़ा अमीर आदमी था। उसके दो जुड़वा बेटे थे, वंश और अंश। एक दिन ललित उन दोनों के लिए दो खिलौने लाता है, एक ट्रैक्टर और दूसरा रिमोट कंट्रोल गॉडजिला। खिलौनों को देखकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। तभी वंश कहता है, थैंक यू पापा, मुझे कब से ऐसे खिलौने की चाह थी, मैं बहुत खुश हूँ पापा। वो दोनों खिलौनों के साथ खेलने चले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद गॉडजिला के सेल खत्म होने की वजह से खिलौने काम नहीं करते। तब वंश पापा से कहता है, पापा देखो तो इतने जल्दी सेल खत्म भी हो गए, अब मैं किसके साथ खेलूं? ये देखो अंश का ट्रैक्टर तो अच्छे से चल रहा है। देख वंश, अब मैं तुझे मेरे ट्रैक्टर को हाथ भी नहीं लगाने दूंगा। अरे बच्चों, तुम दोनों दिन रात इन खिलौनों के साथ खेल रहे हो, फिर सेल खत्म ही हो जाएगी ना। जाओ जाकर दुकान से नए सेल खरीद कर लाओ। तब बच्चे दुकान से सेल खरीद कर लाते हैं। सेल वो दोनों खिलौने में डालकर उसे चलाने की कोशिश करते हैं, पर वो खिलौना चलता ही नहीं। वो सेल खराब हो गई ये सोचकर वो वापस दूसरे सेल खरीद कर लाते हैं, पर उनसे भी कोई काम नहीं चलता। तभी वंश पापा से कहता है, पापा एक भी सेल काम नहीं कर रहा है, अब आपने जहाँ से ये खिलौने लाए वहीं से सेल खरीद कर लाइए। अरे ये तो बड़ी ही अजीब बात है, सेल तो सेल होते हैं, फिर ये काम क्यों नहीं कर रहे? और बच्चों मैंने ये किसी दुकान से नहीं खरीद कर लाए थे खिलौने, वो तो एक आदमी रास्ते पर बेच रहा था, मुझे पसंद आए इसलिए मैं इसे लेकर आया। पर तुम चिंता ना करो, मैं कल ही जाता हूँ उस जगह पर। दूसरे दिन ललित उसी जगह पर जाता है जहाँ पर वो आदमी खिलौने बेच रहा था, पर आज वहाँ पे कोई नहीं था। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद ललित को वो खिलौने वाला आदमी दिखाई देता है। ललित उसके पास जाकर सब बताता है और उससे खिलौने के सेल खरीद कर घर वापस आता है। वंश अपनी रिमोट कंट्रोल गॉडजिला में सेल डालता है और उसके साथ खेलने लगता है। लेकिन ये क्या, देखते ही देखते वो खिलौना गॉडजिला बड़ा हो जाता है, जिसे देखकर वंश घबरा जाता है। बाप रे, ये क्या हो गया, ये खिलौना कैसे बड़ा हो गया, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। वंश भागते हुए घर के अंदर जाकर छुप जाता है। रिमोट कंट्रोल गॉडजिला जोर की आवाज निकालता है, जिसे सुनकर आसपास वाले एकदम से घबरा जाते हैं। वो जब गॉडजिला को देखते हैं, तब वो भी चकित हो जाते हैं। ललित उस गॉडजिला को देखकर कहता है, अरे ये क्या चमत्कार हो गया इस खिलौने के साथ, नहीं नहीं ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि ये खिलौना मेरे वंश का था, मुझे चुप ही रहना होगा। ललित के जैसे बाकी के सारे अपने अपने घर के अंदर छुप जाते हैं। रिमोट कंट्रोल गॉडजिला तबाही मचाते हुए आगे जाता है। सारा गांव गॉडजिला की दहशत से कांप उठा था। गॉडजिला तबाही मचाकर जंगल की ओर बढ़ता है। इधर घर के अंदर वंश अपने पापा से कहता है, पापा पापा मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो आपके लाए हुए बस सेल डाले थे इस खिलौने में, सेल डालने के बाद अचानक से ये सब हो गया। पापा पुलिस इसके लिए मुझे पकड़कर तो नहीं ले जाएगी ना? दोनों बच्चे डरे हुए थे। तब ललित दोनों को शांत करता है, ट्रैक्टर खिलौने को अलमारी में बंद कर देता है और कहता है, बच्चों घबराओ मत, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लगता है इसमें जरूर कोई राज छुपा हुआ है, मैं पहले उस खिलौने वाले को ढूंढता हूँ, वही हमें राह दिखाएगा। पर पापा बाहर तो वो आरसी गॉडजिला है, आप कैसे उस आदमी को ढूंढोगे? नहीं आप कहीं मत जाओ, हमें बहुत डर लग रहा है। तब ललित बच्चों को समझाता है और उस खिलौने वाले को ढूंढने निकलता है, पर उसे वो आदमी कहीं नहीं मिलता। तब ललित घर वापस आ जाता है। अब रोज आरसी गॉडजिला हर गांव में जाकर तबाही मचाने लगता है। पुलिस या फिर कोई भी उस आरसी गॉडजिला को पकड़ नहीं पा रहे थे। सारे लोग आरसी गॉडजिला के डर से बाहर निकलना ही बंद कर देते हैं। कुछ दिन के बाद घर के बाहर वही खिलौने वाला ललित को दिखाई देता है। अरे ये तो वही खिलौने वाला है, ये ऐसे बिना डरे कैसे घूम रहा है, मुझे उसे पकड़ना होगा और आखिर राज क्या है ये जानना ही होगा।
ललित उस खिलौने वाले आदमी के पास जाता है और उसे पकड़ लेता है। अरे भाई, ये कैसे खिलौने दिए तुमने? और देखो, तुम्हारे खिलौने ने क्या हाल कर दिया है इस गांव का। देखो, सब कुछ सच सच बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। तभी वो आदमी जोर जोर से हंसने लगता है और अचानक से उसका रूप बदल जाता है। दरअसल वो एक जादूगर था जिसने उस गौडजिला को जानबूझकर धरती पर तबाही मचाने के लिए बनाया था, और इसका जरिया उसने ललित को बनाया। तब वो जादूगर हंसते हुए कहता है, अरे तू क्या मुझे पुलिस के हवाले करेगा? उसके लिए तुम्हें सबसे पहले जिंदा रहना होगा। दरअसल कोई भी नहीं बचेगा इस धरती पर। ऐसा कहकर वो जादूगर गायब हो जाता है। बेचारा ललित परेशान होकर घर वापस आता है। ललित बच्चों को जादूगर वाली बात बताता है। तभी वंश कहता है, पापा आपने दो खिलौने लाए थे, एक ट्रैक्टर और एक आरसी गौडजिला। क्यों ना हम एक बार ट्रैक्टर में वही सेल डालकर देखते हैं? वंश ट्रैक्टर को अलमारी से बाहर निकालता है और उसमें सेल डालता है। तब वो ट्रैक्टर अपने आप चलते हुए घर से बाहर निकलता है और देखते ही देखते बड़ा होकर एक ट्रैक्टर रोबोट बन जाता है और कहता है, मैं तुम सबकी मदद करने आया हूँ, मैं उस रिमोट कंट्रोल गौडजिला के जैसे नहीं हूँ। तभी वहाँ रिमोट कंट्रोल गौडजिला भी आ जाता है। जादुई ट्रैक्टर रोबोट और रिमोट कंट्रोल गौडजिला के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। तब जादुई ट्रैक्टर रोबोट रिमोट कंट्रोल गौडजिला के सेल निकालने की कोशिश करता है और आखिरकार सेल निकाल ही लेता है। जैसे ही सेल निकल जाते हैं, रिमोट कंट्रोल गौडजिला वापस खिलौना बन जाता है। इस तरह से जादूगर का जादू खत्म हो जाता है। तब जादूगर अचानक फिर से वहां प्रकट हो जाता है। अरे रोबोट, मैंने तुझे बनाया था और तू मेरे खिलाफ ही काम कर रहा है, अब देख मेरा जादू। जादूगर अपना जादू उस पर आजमाता उससे पहले ही जादुई ट्रैक्टर रोबोट जादूगर को ही मार देता है। इस तरह से जादूगर और उसके रिमोट कंट्रोल गौडजिला का अंत हो जाता है। ललित उस रिमोट कंट्रोल गौडजिला खिलौने को जमीन में गाड़ देता है। तब जादुई ट्रैक्टर रोबोट गांव में रहकर सारे गांव वालों की मदद करता रहता है। सुपर ऑरेंज ट्रक रोबोट बनाना कार। गांव में संतोष नाम के आदमी के पास एक ऑरेंज ट्रक रोबोट था। संतोष बहुत ही बातूनी था, कहीं अगर बात करने बैठ गया तो वो बातें करता ही रहता था। एक बार की बात है, ऐसे ही वो नुक्कड़ पर अपना ऑरेंज ट्रक साइड में रखकर बातें कर रहा था, अचानक से धड़ाम से आवाज आती है। अरे किसने मेरे ट्रक को ठोका है बे? अब तो वो गया काम से। ट्रक को टक्कर होने की वजह से ऑरेंज ट्रक अपने आप रोबोट में बदल जाता है। संतोष भी देखने आता है कि आखिर किसने ट्रक को टक्कर दी। तब वो देखता है, अरे ये किसकी बनाना कार है? कोने अंदर बाहर आओ, नहीं तो मेरा ये ऑरेंज ट्रक रोबोट तुम्हें और तुम्हारी कार को तबाह कर देगा। संतोष की ऐसी आवाज सुनकर उस कार से एक सहमी और डरी हुई लड़की बाहर आती है और वो कहती है, मेरा नाम पूजा है, मैं उन गुंडों से बचकर भाग रही थी, बस इसी चक्कर में मुझे माफ कर दो। लड़की बहुत घबराई हुई थी, इसलिए संतोष भी नर्म हो गया और अपने रोबोट को सुपर ऑरेंज ट्रक देता है। संतोष को लगता है कि शायद कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो पूजा के घबराहट का कारण पूछता है। अरे पर तुम किससे भाग रही हो? वो कौन गुंडे हैं और तुम्हें कहाँ मिले? मेरे पिताजी एक बहुत बड़े व्यापारी हैं। कॉलेज के मेरे ही एक दोस्त सनी ने मुझे अपने प्यार के जाल में फंसा दिया और मैं उसके कहने पर घर में जितना भी पैसा और जेवर था वो लेकर उसके साथ घर से भाग निकली। पर यहाँ आने के बाद उसका असली चेहरा पता चला, तब मैं अपनी बनाना कार से वहां से भाग निकली। ऐसा कहकर पूजा रोने लगती है। संतोष उसे समझाते हुए कहता है, अरे देखो तुम रो मत, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, घबराओ मत, तुम मेरी बहन जैसी हो, मेरे घर में मेरे माता पिता है, वैसे तुम्हारी ये बनाना कार मुझे बहुत अच्छी लगी। वो क्या है कि भैया मुझे ना बनाना बहुत पसंद है, इसीलिए मेरे पिताजी ने मेरे लिए बनाना कार बनवाई। मेरे पिताजी मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं हूँ कि उन्हें ही धोखा दे दिया। वैसे भैया
आपका ये ऑरेंज ट्रक भी बहुत कमाल का है। संतोष के पीछे पीछे पूजा अपनी बनाना कार से उसके घर चली जाती है। घर में संतोष सारी बात अपने माता पिता को बताता है, वो भी पूजा को आसरा देते हैं। पर संतोष के मन में उन गुंडों की बात चल रही थी, वो सोचता है, आखिर ये कौन गुंडे हो सकते हैं जो भोली भाली लड़कियों को फंसाकर उनका सारा पैसा छीन रहे हैं? मुझे इस बात की तह तक जाना होगा कैसे भी करके। संतोष पूजा को पहले सारी बात पूछता है और किस जगह पर वो मिले उसका भी पता उसे पूछता है। तब पूजा उसे बताती है, भैया मैं भी आपके साथ आऊंगी, मैं भी उसे सबक सिखाना चाहती हूँ और अपना सारा पैसा और जेवर वापस लेकर अपने पिताजी के पास जाना चाहती हूँ। हाँ, आप कैसे समझदारी की बात की, चलो हम दोनों मिलकर कल ही उस जगह पर जाते हैं। दूसरे दिन संतोष अपने सुपर ऑरेंज ट्रक रोबोट और पूजा अपनी बनाना कार से उस जगह जाते हैं। तब उनका सामना कुछ गुंडों से होता है। वो गुंडे उन्हें मारने ही वाले होते हैं कि संतोष का सुपर ऑरेंज बदल जाता है और वो उन सबको पकड़ पकड़ कर मारने लगता है। वो एक एक को पकड़ कर दूर फेंकने लगता है। उन गुंडों की हड्डी पसली एक हो जाती है। उसके बाद संतोष और पूजा उस घर की तलाशी लेते हैं पर तब उन्हें वहां कोई भी नहीं मिलता। भैया लगता है सनी सारा पैसा और जेवर लेके भाग गया है, अब हम उसे कैसे पकड़ेंगे? अरे घबराओ मत बहना, मेरे पास एक आइडिया है, बस तू अब देख मेरा कमाल। संतोष और पूजा अपने गाड़ियों से घर वापस आ जाते हैं। संतोष पूजा से सनी का नंबर लेकर उससे लड़की बनकर बातें करने लगता है। संतोष ऐसे दिखाता है कि जैसे कि वो उसके प्यार में पागल है, पर सनी को क्या पता कि वो जाल में फंसता ही जा रहा है। एक बार संतोष सनी से लड़की बनकर बात करता है। सनी मुझे तुमसे मिलना है, मेरे घर वाले मेरी शादी की बात कर रहे हैं, मुझे तो बस तुमसे ही शादी करनी है। हाँ हाँ मेरी जान, मुझे भी, बस आज रात घर के सारे पैसे और जेवर लेकर आ जाओ मेरे पास, हम दोनों भाग कर शादी कर लेते हैं। ठीक है। संतोष बहुत खुश हो जाता है कि आज उसका प्लान सक्सेस हो जाएगा। इसे तो आज मैं छोड़ूंगा नहीं, आज के बाद इसका खेल खत्म हो जाएगा। संतोष अपनी सुपर ऑरेंज ट्रक से सनी के बताए हुए पते पर जाता है। वहां पहले से ही सनी आकर रहता है, पर एक लड़की की जगह संतोष को देखकर वो थोड़ा हैरान हो जाता है और वो कहता है, अरे तुम कौन हो और यहाँ कैसे? संतोष पहले लड़की की आवाज में बोलता है, वो कहता है, मुझे तुमसे शादी करनी है। पहचाना बेवकूफ। पहले अपने चारों तरफ तो देख लो। संतोष को सनी के गुंडे चारों तरफ से घेर लेते हैं। उन सब के पास बंदूकें थी। मैंने कोई कच्ची गोटियां नहीं खेली, समझे? मैं तो पहले ही समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए हिफाजत से आया हूं मैं, और मुझे पकड़ने वाले आज तक तो इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुए। सनी के गुंडे संतोष पर फायरिंग करना चालू करते हैं। तब संतोष बचते हुए एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। वो अपने ट्रक से कई रोबोट में बदल जाता है। एक ट्रक को रोबोट में बदलते देखकर सारे गुंडे चौंक जाते हैं और सनी के गुंडे उस रोबोट पर फायरिंग करने लगते हैं। तब वो सुपर ऑरेंज ट्रक रोबोट अपने मैग्नेटिक पावर से सबकी बंदूकें छीन लेता है और उल्टा उन लोगों पर ही गोलियां बरसाने लगता है और गुंडों को पीटने लगता है। अब रोबोट सनी को पकड़ने जाता है। तब सनी वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक पूजा अपनी बनाना कार से वहां आ जाती है और उसे जोरदार टक्कर मारती है। सनी नीचे गिर जाता है। अब कहा जाएगा भोली भाली लड़कियों को फंसाता है कमीने कुत्ते? ऐसा कहकर पूजा उसे मारने लगती है। पुलिस भी पूजा के साथ वहां आती है। पुलिस सनी को पकड़ लेते हैं। कब से तुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आज हाथ में आया तू बच्चू। पुलिस सनी को खूब पीटती है और उससे सारा पैसा और जेवर जहां जहां छुपा के रखा है उसका पता पूछते हैं।
सनी सब उगल देता है। इस तरह से संतोष और उसके सुपर ऑरेंज ट्रक रोबोट की वजह से पूजा को उसका सारा पैसा और जेवर मिल जाते हैं।